रामबन के चंद्रकोट में अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के जरिए श्रद्धालुओं के लिए बनाए यात्री निवास को तिरंगे रंग की रोशनी से जगमगाया गया है। रामबन के डिप्टी कमिश्नर बशीरुल हक चौधरी ने बताया है कि तिरंगे के रंग में हमने यात्री निवास को सजाया है। ये यात्रा राष्ट्रीय गौरव है, लोगों की आस्था इससे जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे खुर्शीद जुड़ गए हैं। खुर्शीद, जानना चाहेंगे कितनी तादाद यात्रियों की इस दौरान बढ़ती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ जो भी इंतजाम किए गए हैं उससे कितने मुतासिर भक्त नजर आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए बस श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो लगातार जो है दिन ब दिन जो है उसका इजाफा हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आज इसकी बात करिए तो आज में जो है बालतल वाले जो है 2106 यात्री जो है बालतल वाले रास्ते के, तो वही पहलगाम रूट की अगर हम बात करिए 4431 टोटल दो जगह जो भगवती बेस के जम्मू से निकले हैं 6537 यात्री जो है आज भी दर्शन के लिए कश्मीर के लिए हो रहे हैं। और लगातार जो है इससे इजाफा होते जा रहा है और इजाफा देखने को हमें मिल रहा है। तो अगर ये सेम कंटिन्यू जो है ये हालत रही 5 से 6 हजार लोग जो लगातार दूर नहीं ले सकते हैं, तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि पहले कई दिनों से हम रिपोर्टें कर रही है 28 तारीख से बाबा बर्फानी पे जो दर्शन करके नहीं जा रहे लोग, तो ये पिछले रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा। इस बार जो है हमेशा 5 लाख पार हो सकता है, 6 लाख तक जो है श्रद्धालुओं की तैदाद हो सकती है। तो जो रामन ने जिसके लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं, चाहे हम यात्रा नवा चंद्रकूट की बात करिए, चाहे हम बनिहाल नगर साइड की बात करिए, तो इस बार कुछ अलग अलग सा जो हम देखने को मिला है। इस बार जो है यात्रा नवा चंद्रकूट में जो पूरी बिल्डिंग जो है जितनी वहाँ पे यात्रा नवा उनको ठहरने के लिए बिल्डिंगें बनाई है पूरे तरीके से सजाई गई, और शाम के टाइम में एक अलग सा माहौल होता है वहाँ पे जैसे दूर से नजर, क्योंकि NH-24 पे जो है यात्रा नवा चंद्रकूट का है, और जब शाम जल्दी है तो इतना खूबसूरत नजारा होता है वो पूरे हाईवे से जब नजर पड़ती है यहाँ क्या यहाँ वहाँ पे जो टूरिस्ट या श्रद्धालु रुक जाता है, तो जब वो तिरंगे की तरफ देखता है तो लाइटों का जो तिरंगा बनाया गया है कि पूरे तिरंगे की शक्ल दी गई पूरे बिल्डिंग को, तो वहाँ पे एक अलग का सुकून आता है दिल को। और साथ ही साथ दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं या टूरिस्ट, एक देशभक्ति का जो एक जुनून है ना वो नजर आता है, जैसे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो देशभक्ति का जज्बा जो है वो इस चीज से भी कहीं ना कहीं जो है एक मसले जा रही है कि हमारा देश जो है हमारा तिरंगा जो है सबसे बड़ी शान जो है हमारी तिरंगे की, और वो इसके जरिए एक मसले जाती है पूरे वर्ल्ड में कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, भारतीय हिंदुस्तान के लोग हैं, कितनी इज्जत हम अपनी तिरंगा की करते हैं, अपने देश का जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसकी करते हैं, तो एक मसले जाती है, तो अलग सा एक माहौल बन जाता है पूरे रामबन में शाम के टाइम या बनिहाल नगर साइड की हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से जो है पूरी तैयारियां बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारियां हुई, जिसकी वजह से जो है जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं काफी मुतासिर काफी खुश दिख रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ भी उन्होंने करी। बिल्कुल ठीक है खुर्शीद, तो आप जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।